हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन एंड डिसीज में, जहां पर मिलती है आपको दवाइयां और बीमारियों के बारे में पूरी जानकारी। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक जरूर कर दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। आज की इस वीडियो में हम पैरासीटामोल टैबलेट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे पैरासीटामोल क्या है, कौन कौन से ब्रांड इस दवा के मार्केट में उपलब्ध हैं, किस बीमारी में इस दवा का यूज करते हैं, किस मात्रा या डोज में यह दवा मरीज को दी जानी चाहिए और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कि यह दवा कैसे काम करती है। पैरासीटामोल NSAID यानी कि नॉन स्टेराइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग ग्रुप की दवा है। पैरासीटामोल को एसिटामिनोफेन नाम से भी जानते हैं। यह दवा बुखार या मीडियम दर्द को ठीक करने के लिए इस्तेमाल में ली जाती है। पैरासीटामोल में एंटीपायरेटिक और एनाल जैसे कंपाउंड होते हैं। पैरासीटामोल मार्केट में टैबलेट, इंजेक्शन, सायरप और IV फॉर्म में उपलब्ध है और यह दवा इसके जेनरिक नेम पैरासीटामोल से आसानी से सिंगल सॉल्ट में मिल जाती है। इसके अलावा यह दवा कई और दवाइयों के साथ मार्केट में कॉम्बिनेशन सॉल्ट में भी उपलब्ध है। इस दवा के असर की बात करें तो यह दवा 1 घंटे में असर करना शुरू कर देती है और इसका असर 5 घंटों तक रहता है। इस दवा के यूज के बारे में बात करें तो यह दवा बुखार को कम करने और माइल्ड टू मॉडरेट पेन यानी हल्का या मामूली दर्द को ठीक करने के लिए इस्तेमाल में ली जाती है। इस दवा का नाम लगभग से सारे लोग जानते ही होंगे और कभी न कभी सभी ने इस दवा का इस्तेमाल किया ही होगा। पैरासीटामोल में एंटीपायरेटिक और एनाल जैसे कंपाउंड होते हैं, जिसमें एंटीपायरेटिक जो कि बुखार को कम करने का काम करते हैं और एनाल जैसे जो कि दर्द को कम करने का काम करते हैं। पैरासीटामोल के डोज के बारे में बात करें तो पैरासीटामोल 10 से 15 mg पर kg पर डोज के हिसाब से ली जाती है। जैसे अगर किसी मरीज का वजन 10 kg है तो 150 mg दिन में 3 या 4 बार, 20 kg है तो 300 mg दिन या 4 बार, एडल्ट्स को 500 या 650 mg दिन में 3 या 4 बार और इस दवा का मैक्सिमम डोज 4000 mg यानी 4 ग्राम पर डे होता है। यह दवा बच्चों के लिए सायरप फॉर्म में भी उपलब्ध है। इस दवा के साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो यह दवा बहुत ही ज्यादा सेफ दवा है। इस दवा के ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं, फिर भी कई लोगों में नौजिया या वॉमिटिंग होना, स्किन रैशेस होना, पेट दर्द होना, गैस्ट्रिक इरिटेशन होना, डिजीनेस होना जैसे साइड इफेक्ट देखे गए हैं। अगर आपको इनके अलावा कोई और साइड इफेक्ट देखने को मिले तो सबसे पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें। इस दवा के ब्रांड नेम की बात करें तो यह दवा एरिया और डॉक्टर के मुताबिक अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में उपलब्ध, जैसे डोलो 500, डोलो 650, क्रोसिन, पैसीमॉल, पैराफास्ट, पैरासिप, इसके अलावा और भी कई ब्रांड नेम इस दवा के मार्केट में उपलब्ध। अब जान लेते हैं कि यह दवा काम कैसे करती है। हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और इस टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम हाइपोथैलेमस नाम का एक ब्रेन का एक हिस्सा करता है। जब भी कभी हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन होता है तब हमारी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन का सेक्रेशन बढ़ जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन का सेक्रेशन बढ़ने के कारण हाइपोथैलेमस में डिस्टरबेंस होता है, जिसके कारण हमारा ब्रेन हमारी बॉडी का नया ही टेम्परेचर सेट कर देता है, जिसके कारण हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और हमें बुखार आता है। पैरासीटामोल प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को ब्लॉक करता है, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है और नॉर्मल स्थिति में आ जाता है और दवा का असर खत्म होते ही टेम्परेचर फिर से बढ़ जाता है। एक बात का ध्यान जरूर रखें, पैरासीटामोल सिर्फ हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कम करता है, इन्फेक्शन को खत्म नहीं करता है। इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए डॉक्टर कोई और ही दवा देते हैं या फिर पैरासीटामोल को ही किसी और दवा के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं। इसी तरह जब हमें इंजरी हो जाती है तब प्रोस्टाग्लैंडिन का सेक्रेशन बढ़ जाता है, जो हमारे ब्रेन को पेन होने का मैसेज देता है, जिससे हमें दर्द महसूस होता है। पैरासीटामोल प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है, जिससे हमारे ब्रेन तक पेन का मैसेज नहीं पहुँच पाता और कुछ समय के लिए हमें दर्द महसूस होना बंद हो जाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।